हाय एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे आज का वीडियो काफ़ी सेंसिटिव है, वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर है, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप पैंटी लाइनर जो है किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कौन से तरीके से और कब इसको यूज़ आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को जो है पैंटी लाइनर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आज मैं आप लोगों को ए टू जेड बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पैंटी लाइनर्स होते कैसे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, छोटा सा एक पैड है, आप देख सकते हो इस तरीके का, इतना छोटा और इतना थिन, ये इतना थिन है, आप अच्छे से देख ले, जिस तरीके से हम नॉर्मली जो पैड यूज़ करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये छोटा है। और जिस तरीके से हम पैड जो है पीरियड्स के टाइम में यूज़ करते हैं, ये पीरियड्स के टाइम में नहीं है, लेकिन इसका यूज़ जो है बहुत टाइम हमें करना पड़ता है। तो आज आपको बताऊँगी, जिनको नहीं पता कि ये किस तरीके से यूज़ हो सकता है, कब कब यूज़ हो सकता है, बहुत लोगों को सिर्फ पैड के बारे में पता है। कई बार हमें क्या होता है, पीरियड्स के टाइम में, पीरियड्स से पहले बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, जिसे हम सफ़ेद पानी, गीलापन से भरे रहते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आप उस टाइम में जब आपका वाइट डिस्चार्ज होता है, जब वजाइना के थ्रू वाइट जो है गीलापन जो है निकलता है, उस टाइम आप इस पैंटी लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। ये इतना छोटा है, इतना थिन है कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने पैंटी में कुछ लगा के रखा है, और ये आपको प्रोटेक्शन जो है देता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नॉर्मली पैड जैसा होता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा पतला, कई गुना ज़्यादा सॉफ्ट। आप इसको जब आपका वाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत ऐसे बॉडी टाइप होता है जिनका पीरियड से पहले वाइट डिस्चार्ज होता है, ऐसे नॉर्मली सबका नहीं होता है, तो उस टाइम आप ये पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। और बहुत लोगों का क्या होता है, जब आपके पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ 3-4 दिनों तक आपका वाइट डिस्चार्ज जो है होता है, तो उस टाइम आप उतना बड़ा हैवी जो है पैड यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको लेना हमारे लिए एक चैलेंजिंग होता है, एक टास्क इतना मतलब डिफ़िकल्ट होता है, उन दिनों उस पैड में बिताना कोई औरत ही समझ सकती है, मर्द तो नहीं समझ सकते हैं। तो उस टाइम में आप इस छोटा सा, इतना थिन सा पैड को ये आप यूज़ कर सकते हो, जब आपका वाइट डिस्चार्ज होता है और आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ लगा रखा है, और इससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, आपका जो है कपड़ा गंदा भी नहीं होगा, और आप जो है ड्राई फील करोगे, तो आप उस वक्त इसको लगा सकते हैं। और कई बार हमें क्या होता है, हमें मालूम होता है कि हमारा पीरियड जो है आज या इस डेट पे आने वाला होता है, और हमें उसी वक्त जो है कहीं जाना होता है, मतलब आज आपका डेट है तो आपको आज शाम ही कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, तो आप कैसे मतलब पैड को एडवांस में ही लगा के रख सकते हो, उतना हैवी पैड तो पीरियड के टाइम में लेना इतना चैलेंजिंग होता है, तो पीरियड से पहले आप कैसे लगा सकते हो। लेकिन आपको पता है कि आपका पीरियड होने वाला है, ऐसे हमारा शरीर जो है हमें हिंट देता रहता है, थोड़ा सा हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है कुछ कुछ, तो उस टाइम आप ये जो है छोटा सा पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हो। जब आपको जाना होगा तब आप इस लाइनर को लगा लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका पीरियड अब नहीं तो तब होगा ही या होने ही वाला है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप पीरियड से पहले तो कोई भी टैम्पॉन, कोई भी कप या फिर पैड तो लगा के नहीं रख लोगे बिना पीरियड का, बिना ब्लड का, तो आप उस टाइम इसको यूज़ कर सकते हो। और उस टाइम आप जब पैड लगाओगे भी तो आपका वेस्ट ही होने वाला है, अगर आपके पीरियड आज नहीं कल हो गया, उस टाइम नहीं हुआ, तो ये जो है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही कम प्राइस आता है हमारा। जो लॉन्ग, मीडियम, जो एक्स्ट्रा लार्ज जो है पैड जो होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, मतलब उनका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। एक पैड हमको कम से कम 30, 35 या 40 या 50, ऐसे बहुत सारे रेंज में हमें आते हैं, लेकिन ये आपको एक जो है 3 से 4 रुपया या फिर मैक्सिमम आपको 5 रुपया पड़ता है। तो ये अगर वेस्ट भी होगा तो आपको ज़्यादा लगेगा नहीं, लेकिन वो वाले पैड जब वेस्ट होते हैं ना तो बहुत लगता है, और ब्लीडिंग में अगर चला जाए तो नहीं लगता है, लेकिन वेस्ट होते हैं तो बहुत लगता है, ये मुझे मालूम है। तो आप उस वक्त इस पैड का यूज़ कर सकते हैं जब आपको मालूम है कि आपका पीरियड होने वाला है, हुआ नहीं है, और उस वक्त आपको ट्रैवल करना है। मेरे साथ ये
एक हफ्ता पहले ही हुआ, मुझे ट्रेन में जाना था और मुझे मालूम था कि मेरा डेट उसी टाइम है, तो मैंने ये यूज़ किया था और उस दिन नहीं हुआ। सेकेंड डे जब मैं ट्रेन से उतरी सुबह के टाइम में, मुझे मालूम चलता है कि मेरा पीरियड हो गया है और मुझे बिल्कुल भी कोई पेन वेन नहीं हुआ था, मुझे ज़रा सा भी फील नहीं हुआ था, मेरी बॉडी ने ज़रा सा भी मुझे हिंट नहीं दिया था कि तुम्हारा पीरियड होने वाला है। ऐसे तो मुझे घर में रहने से मालूम चलता है, थोड़ा सा पेन होने लगता है, कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं चला था। जब मैं सुबह वॉशरूम गई तब मुझे मालूम चला कि मेरा पीरियड हो चुका है और इस पैंटी लाइनर ने मेरा इज्जत बचा लिया। अगर ये पैंटी लाइनर नहीं होता तो मेरे जींस से पूरा लीकेज हो गया होता और पता नहीं क्या होता। तो उस तरीके में आप अपने जो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट है उससे आप बच सकते हो। आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। लड़कियाँ अच्छे से समझ सकती हैं कि मैं कौन से सिचुएशन के बारे में बोल रही हूँ और किस कौन से सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। तो आप उस वक्त इस पैंटी लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारा पीरियड जब हो जाता है तो एक दो दिन के बाद ब्लीडिंग इतना कम हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें पैड नहीं लेना है, लेकिन पैड नहीं लेते हैं तो ब्लीडिंग हो जाता है, एक दो तीन चार बूंद निकल आते हैं। तो उस टाइम आप इस पैंटी लाइनर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये इतना छोटा है। जब तो आप इसको लगाते हो तो आपको महसूस नहीं होता है कि आपने कुछ लगा रखा है, उतना हैवी पैड जैसा है लगता भी नहीं है और आपका जो ब्लीडिंग जो है थोड़ा सा होता है उसमें ये एकदम फिट बैठ जाता है। आपको जो थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है एकदम सोक कर लेगा, आपके पैंटी में लीक नहीं करेगा और आपको हैवी वाले पैड लगाना भी नहीं पड़ेंगे। और अब अगर मेंस्ट्रुअल कप लगाते हो तो वो भी लगाना नहीं होगा। क्या होता है, बहुत टाइम तक जो है गीलापन, मतलब वो जो वाइट डिस्चार्ज जो है होता ही रहता है, होता ही रहता है थोड़ा 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 करके, कम से कम हफ्ते दो हफ्ते या किसी किसी लोगों का 15 15 20 20 दिन तक होता ही रहता है। तो उस टाइम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो वाइट डिस्चार्ज होता है बहुत कम होता है। या फिर उसके लिए आप बड़ा सा कोई पैड नहीं लगा सकते हो, या फिर उसके लिए मेंस्ट्रुअल कप नहीं लगा सकते हो, तो आप इस पैंटी लाइनर का जो है यूज़ अच्छे तरीके से उस टाइम में कर सकते हो। और बहुत लोगों का क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो है टैम्पोन या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो उनको डाउट होता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है अभी, तो उनको डाउट होता है कि शायद उनका कप या फिर उनका टैम्पोन जो है लीक कर जाएगा। तब आप उस टाइम इस पैंटी लाइनर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपका बड़ा सा पैड लगाना नहीं पड़ेगा, एक अंदर आपका मेंस्ट्रुअल कप, एक आपका अलग सा पैड। तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो और आपको जो लगता है कि आपको लीक कर जाएगा ऐसा होगा भी नहीं। तो ये जो है यूजेस है कुछ पैंटी लाइनर का। अगर आप पैड खरीदते हो ना तो डेफिनेटली आप एक पैंटी लाइनर का पैक जरूर खरीदते होगे, क्योंकि आपको पता है पीरियड जब लोगों का ख़त्म हो जाता है तो एक दो दिन तक हमें कुछ ब्लैक में या फिर ऐसा ब्लीडिंग या फिर व्हाइट कलर में थोड़ा सा होता है, जो उस टाइम में आप जो है बड़ा सा हैवी सा पैड अपना बर्बाद नहीं करना चाहते हो, क्योंकि पैड जो है 30 35 40 का एक पैड होते हैं, तो उस टाइम में कोई भी इतना हैवी पैड लगाएगा भी नहीं और बर्बाद भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पैसा बहुत ही मेहनत से आता है। तो उस टाइम आप इस ऐसा पैंटी लाइनर का यूज़ कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम जो है उससे निजात पा सकते ये थे हो। कुछ यूजेस पैंटी लाइनर का, जिससे आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो और इसे यूज़ करके आप अपने वजाइना को ड्राई रख सकते हो, अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सकते हो। तो आप इसको यूज़ करना चाहते हो, इसको बाय करना चाहते हो, तो मैं बता दूँ मेरे पास है ये एवरटीन का पैंटी लाइनर। इसमें आपको मिलता है 30 लाइनर, ये 30 पैंटी लाइनर मिलता है और ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है। आपको जो है इतना पैंटी लाइनर मिलता है 30। ये है एंटी बैक्टीरियल, ऑडर कंट्रोल और ये ब्रीदेबल। इसमें आपका प्राइवेट पार्ट जो है ब्रीदेबल, मतलब ब्रीथ कर सकता है, उसमें हवा जा सकता है और वहाँ पे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल आपको फील नहीं होगा। अगर आपको ये वाली पैंटी लाइनर ख़रीदना है तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अपने अगले एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।